स्वागत है आपका सभी का रसायन एकेडमी केमिस्ट्री में। सॉलिड स्टेट में अपने लेक्चर्स को आगे लेके जाते हुए आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। लगभग आपका आउट ऑफ 5 मार्क्स वेटेज ऑफ सॉलिड स्टेट 2 और 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं। So the name of the article is imperfection in solids। जहां पर भी वर्ड आता है क्या imperfection, imperfection का मतलब क्या हुआ, जो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कौन नहीं है, पर जिसके बीच में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं है, उससे हटके कुछ और है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे imperfection को डिफाइन करना हो तो आई विल डिफाइन इट इन दिस वे, आई विल से दैट एनी डिपार्चर, एनी डिपार्चर। मैं आप बच्चों को ये एक सजेशन दूंगा कि आप साथ साथ में कॉपी जरूर रखें जब आप इसको पढ़ें, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स को नोट करते चले जाएं। एनी डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट, भाई अगर कोई भी डिपार्चर है कहां से, फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट, लीड्स टू इम्परफेक्शन। भाई कोई भी अगर चीज मतलब रेगुलर नहीं है, जो रेगुलर हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं है, और तरह से है, तो दैट इज इम्परफेक्ट। वो इम्परफेक्ट बेसिकली ये इम्परफेक्शन दो टाइप की होती है, फंडामेंटली इम्परफेक्शन दो टाइप की, और ये दो टाइप की हॉर्मोन्स ही होती है। पहली होती है आपके पास कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस, और दूसरा हमारे पास होता है पॉइंट डिफेक्ट्स। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और एक क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट्स। जहां पर मैं ये वर्ड बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, देखिए आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम ये मानते हैं कि एटम है, एटम के पीछे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पीछे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स है, और वो अपनी शेल्स में घूम रहे हैं। तो जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में घूम रहा है तो वो अपने नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन जैसे उसको सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन दे गेट एक्साइटेड अप, वो एक्साइट अप हो जाते हैं। तो एक्साइट अप अगर उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, चेंज कर दिया, दैट लीड्स टू इम्परफेक्शन। और कई बार वो एनर्जी जो दी जाती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि दैट इलेक्ट्रॉन में गेट थर्मली रिमूव, वो रिमूव भी हो जाता है। तो एनी डिपार्चर ऑफ दैट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हमें इसको ज़्यादा नहीं स्टडी करना, लेकिन अभी जो हमारा यहाँ पर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। मैंने आपको सॉलिड स्टेट जब करवाया उसके बीच में आपको एक बात बताई, क्या कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। किसी भी सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। उन सभी को, वो सभी जो मतलब क्रिस्टल में जो पॉइंट को जहां जहां पर वो प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं उसके लैटिस पॉइंट्स। तो अगर उसके अरेंजमेंट में कहीं पर भी डिफेक्ट है, कहीं पर भी डिस्टर्बेंस है, दैट लीड्स टू पॉइंट डिफेक्ट्स। तो सब लोग क्या हुआ, पॉइंट डिफेक्ट अगर कोई कहता है तो मैं कहता हूँ एनी डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और क्या मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स विद इन द क्रिस्टल। किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में लीड्स टू पॉइंट डिफेक्ट्स, लीड्स टू पॉइंट डिफेक्ट्स। वो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। अब हम इन पॉइंट डिफेक्ट्स को, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है पॉइंट डिफेक्ट्स, इसी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। सुनिए, मैं यहां पर ऊपर मेन हेडिंग ही देता हूं, क्या पॉइंट डिफेक्ट्स, मैं हेडिंग देता हूं क्या पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास 3 तरह से होते हैं, और वो 3 तरह से क्या होते हैं,
वन इज, पहला जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो हमारे पास होता है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। कौन से होते हैं? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दूसरे जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट्स, तो तीन टाइप के डिफेक्ट्स हुए। पहला कौन सा? स्टोशियोमेट्री। अब कई टीचर, कई मतलब थॉट्स रखने वाले होंगे, तो स्टोशियो का मतलब इक्वल नो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि एनी दैट इट इज बेसिकली द स्टडी विच इज रिलेटेड टू द केमिकल कैलकुलेशंस। तो यहां पर जब हम स्टोशियोमेट्री की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, द रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। जैसे अगर मैं कहूँ NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ तो सोडियम क्लोराइड के एक परफेक्ट क्रिस्टल में जितने सोडियम आयन है उतने क्लोराइड आयन है, वहां पर वो इक्वल है, बराबर है। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करता हूँ, MgCl2 की बात करता हूँ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो मैग्नीशियम आयन है और क्लोराइड आयन है उसकी रेशियो 1:2 है। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करता हूँ जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, तो उसमें कैटायन और एनायन की रेशियो क्या है? 2:3 है। तो मींस अगर एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है उसके बीच में कोई डिफेक्ट आ गया, सपोज करो डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आने के बाद भी, रिमेंबर, डिफेक्ट आने के बावजूद भी अगर रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायन और एनायन उतने के उतने रहते हैं जितने ओरिजिनल क्रिस्टल में हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो अगर मुझे ये स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट को डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे डिफेक्ट कहूंगा, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स इन विच द स्टोशियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड, वो मेंटेन रहती है इवन आफ्टर द डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद भी वो मेंटेन रहती है, स्टोशियोमेट्री इज मेंटेन्ड इवन आफ्टर द डिफेक्ट। मींस क्या कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमेन सेम इवन आफ्टर द डिफेक्ट। डिफेक्ट के बावजूद भी जो रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है वो सेम रहता है। ये आगे हमारे पास दो टाइप के होते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, आगे हमारे पास फिर दो टाइप के होते हैं। और वो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? शॉटकी डिफेक्ट। पहला डिफेक्ट कौन सा है? शॉटकी डिफेक्ट। सपोज करके मेरे पास एक क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है, और वो परफेक्ट क्रिस्टल मेरे पास ये है, सपोज ये उसके लेटेस्ट पॉइंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय द लेटर्स AB AB। सपोज दिस इज दैट क्रिस्टल, ये क्रिस्टल मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा थोड़ा आप साथ में नोट करते चले जाए तो आपके लिए इजी रहेगा। ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, तो उस परफेक्ट क्रिस्टल में हुआ क्या? सपोज इसमें कोई डिफेक्ट आया, और डिफेक्ट आने में यहां से कहीं से एक ए चला गया, सपोज यहां से ए चला गया, ओके, और कहीं से बी चला गया। अगर एक ए गया तो एक ही बी गया, दो ए गए, सपोज एक और यहां से ए चला जाए तो एक और कहीं से बी चला जाए, सपोज यहां से। Means, इसके बीच में क्या हुआ? मैं इसको परफेक्टली एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहता हूं कि दैट शॉटकी डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट इन विच, जिसमें क्या है, द कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, वो मिसिंग है
फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स इन द सेम रेशियो, उसी रेशियो में एज इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट कंपाउंड। जैसा उस कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट है, जैसे अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड होता AlCl3 होता तो अगर एक एल्यूमिनियम जाता तो 3 क्लोराइड जाता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता 2:3 रेशियो, अभी दो कैटायन जाते 3 मतलब एनायन चले जाते, मतलब डिफेक्ट के बावजूद भी उसमें रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायन और एनायन उतने का उतना ही रहता जितना क्रिस्टल में पहले। उस डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है कि ये क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल में कुछ कैटायन और एनायन चले गए, कैटायन और एनायन जाने से क्या हुआ भाई, अंदर से उसका मास थोड़ा कम हो गया है ना, तो कम हो गया तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इससे इट लीड्स टू डिक्रीज इन डेंसिटी, इससे डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट लीड्स टू लोअरिंग इन द डेंसिटी। दूसरी बात क्या हुआ, दैट इज इट रिजल्ट इन टू द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। एक चीज याद रखना, सुनो, अगर मैं कहूं कि परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट तो बिल्कुल सही हूं, बिकॉज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होता है आपको, यू नीड द मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट है, परफेक्ट क्रिस्टल के बीच में आयन इतना कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं कि उसके बीच में वो आयन मूव नहीं कर सकते, अगर वो आयन मूव नहीं कर सकते तो व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इट कैन नॉट शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन अगर इसके बीच में ऐसे गैप आ जाए तो दीज आयन दे विल गेट स्पेस टू मूव, इन आयंस में एक स्पेस हो जाता है कि वो मूव कर सके, और जैसे इन आयन के बीच में एक स्पेस होता है मूव करने के लिए तो व्हाट यू कैन से दैट इट विल शो, इट विल रिजल्ट इनटू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उससे इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिक एक ब्रॉड सी बात याद रखना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी डिफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। दूसरी बात यहां पर मैंने क्या बोला कि डेंसिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एंड रिमेंबर शॉटकी डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स का करैक्टरिस्टिक्स होता है विच हैज गॉट हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। एक फैक्ट से समझने की बात करो, ऐसा नहीं कि इसमें भी रट्टा लगाओ भी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए होता है, इसमें ये आता है वर्ड ये, नो नथिंग लाइक दैट सॉर्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हुआ है कि एक सिंपल सी बात है भाई, बड़े कैटायन है तो बड़े कैटायन या एनायन है तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका ज्यादा है, तो उसका वहां से स्लिप होने का चांस ज्यादा रहता है, तो उसका मतलब ये हुआ, बट आई कैन से दैट द शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में आपको तीन बातें याद रखनी है। कौन कौन सी तीन बातें, नंबर वन इट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दोस कंपाउंड विच हैज गॉट हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरी बात विद शॉर्ट की डिफेक्ट द डेंसिटी डिक्रीजेस, तीसरा विद शॉर्ट की डिफेक्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, एक बात और बच्चे, जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है ना, मतलब जैसे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की बात किया, मतलब NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6:6 है ना, CaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 8:8। तो अगर कोई आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है भाई, यस बताइए व्हाट इज व्हाट टाइप ऑफ द डिफेक्ट डू यू एक्सपेक्ट इन KCl, तो जैसे KCl आपके दिमाग में आया तो आपके दिमाग में आया यस इसका तो यार हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये भैया कौन सा डिफेक्ट दिखाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाएगा, इस तरीके से आपको अपने दिमाग में याद बात याद। दूसरा डिफेक्ट होता है वो हमारे पास इसका डिफेक्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट, तो फ्रेंकल डिफेक्ट को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं, और वो ऐसे है बेटा इस तरीके से मैं यहां पे आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये मेरे पास सपोज एक परफेक्ट क्रिस्टल, यस ए बी ए बी ए बी ए बी दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑफ वेरियस लैटिस, लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे हम ये कहते हैं इन फ्रेंकल डिफेक्ट वन ऑफ द आयन
यूजली केटायन, अभैया केटायन ही क्यों, याद रखना केटायन होते हैं छोटे और एनायन होते हैं बड़े। तो बड़े एनायन जब लैटिस पॉइंट बनाते हैं तो उसके बीच में खाली स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। तो वो केटायन का साइज कई बार इतना छोटा होता है कि वो अपनी जगह से स्लिप करके यहां से स्लिप कर गया, यहां से चला गया और कहां पर आ गया, इंटरस्टिशियल साइड पे, यहां पर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं इन दिस डिफेक्ट वन ऑफ द आयन यूजुअली केटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, वो अपने लैटिस पॉइंट से नहीं होता एंड वो कहां पे चला जाता है, एंड इट गेट ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट, वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला, बस। तो दैट डिफेक्ट इज व्हाट इज नोन एज़ फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इससे क्या होगा, इसको कंपेयर करो रट्टा लगाने की साइंस में, जो कहता है बंदा रट्टा लगाओ बेवकूफ है, ना उसको खुद समझ ना किसी को समझ आने देगा। एक सिंपल सी बात है, यहां पर ये क्या है आपके पास, एक क्रिस्टल है ना, यहां पे क्रिस्टल है। तो यहां पर क्या हुआ, केटायन एनायन मिस हो गए, है ना, डेंसिटी कम हो गई। यहां पे केटायन मिस नहीं हुआ, यहां से इधर चला गया, तो मास उतना वॉल्यूम उतना डेंसिटी विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी। यहां पे ये केटायन अंदर इसलिए आ पाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो छोटा साइज है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होएगा। इसका मतलब फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय दोस कंपाउंड्स विच हैज गॉट लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे ZNS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाई, 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी, और डेंसिटी सेम रहती है, डेंसिटी सेम रहती है। तो सब लोग ZNS टाइप, जैसे अगर मैं कहूँ CuCl, CuBr, CuI, ZnO, ZnS, BeO, BeS, ये मैंने आपको उसमें एग्जांपल करवाए थे जब मैंने आपको ZnS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर करवाई थी, ब्लेंडेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें उन सभी क्रिस्टल के बीच में डिफेक्ट होएगा, तो कौन सा डिफेक्ट होएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई। तो ये शॉटकी डिफेक्ट हुआ और दूसरा कौन सा हुआ हमारे पास, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों डिफेक्ट्स में एक चीज याद रखना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, AgBr एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके बीच दोनों ही डिफेक्ट पॉसिबल है, शॉर्ट की भी और फ्रेंकल भी। दूसरी बात, इन डिफेक्ट्स को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी नाम देते हैं, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, अंदर ही अंदर ये ऐसा डिफेक्ट हुआ, इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। और दूसरा बात, इन्हें हम एक और भी नाम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। तो ये दो इसके लिए नाम है, कौन कौन से, इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। तो नेक्स्ट डिफेक्ट जो अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा डिफेक्ट है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसका मतलब एज द नेम इंडिकेट, अपने आप ही ये बताता है कि दिस इज दैट डिफेक्ट इन विच, जिसमें क्या है, in which the stoichiometry do not remain same after the defect, but defect के बाद जो है ना stoichiometry same नहीं रहती। नहीं, एक बार उस क्रिस्टल के बीच में अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो उसकी stoichiometry डिस्टर्ब हो जाएगी। रिमेंबर मैंने ये कहा कि उसकी स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट हो जाएगी, चार्ज कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकली वो क्रिस्टल हमेशा पहले की तरह ही न्यूट्रल रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स इन विच आफ्टर द डिफेक्ट द स्टोशियोमेट्री इज मेंटेन, एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स इन विच आफ्टर द डिफेक्ट the stoichiometry get disturbed, it do not remain same after the defect. अब ये जो defect है, ये हमारे पास आगे दो type के हो सकते हैं, and वो दो type के कौन कौन से हो सकते हैं, it can be metal excess defect. Metal excess defect. इट कैन बी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आमतौर पे जब हम एक क्रिस्टल की बात करते हैं और उसको हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी, है ना, सपोज में कहते ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ए रिप्रेजेंट कैटायनिक पार्ट एंड बी रिप्रेजेंट एनायनिक पार्ट। तो अगर किसी क्रिस्टल में किसी वजह से ए का नंबर बढ़ जाए, ए का नंबर बढ़ जाए जितना पहले था उससे ज्यादा हो जाए, तो वो क्या आएगा, मेटल एक्सेस। और तो अगर बी का नंबर क्या हो जाए, बढ़ जाए, ए का कम हो जाए बी के कंपैरिजन में, तो क्या आएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है, सुनो वो दो तरीके कौन कौन से हैं। वन इज बाय कैटायन, चलो ये पहले मैं ये लिखता हूं, बाय एनायन वैकेंसी, और दूसरा होता है बाय कैटायन एक्सेस। एनायन वैकेंसी, कैटायन एक्सेस, बड़ा सिंपल सी बात है। सपोज मेरे पास क्लास है, सपोज उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि उसके बीच में नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आई विल से वन ऑफ द गर्ल स्टूडेंट टू गो, या आई विल अलाउ वन ऑफ द बॉय स्टूडेंट टू एंटर इन द ग्रुप अगेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल एक्सेस ए ज्यादा कब हो सकता है, या तो ए का नंबर बढ़ जाए या बी का नंबर कम हो जाए, मतलब कैटायन एनायन वैकेंसी, एनायन अपनी जगह को छोड़ दे या कैटायन एक्सेस। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सभी में आते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप बहुत ध्यान से आराम से समझें। मैं क्रिस्टल लेता हूं, क्रिस्टल है NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, का ये मेरे पास एक क्रिस्टल है। ओके, आई एम हैविंग ए परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ से सोडियम क्लोराइड, मेरे पास सोडियम क्लोराइड का एक परफेक्ट क्रिस्टल है। ओके, ये मैंने क्या किया, इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को क्या किया, सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट किया, मीन सोडियम के वेपर्स में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। आप ऐसे ही इमेजिन करो, भाई ये मेरा बीकर है, इसमें ये मेरे पास क्रिस्टल पड़ा हुआ है सोडियम क्लोराइड का, और यहां पे सोडियम के वेपर्स हैं, इसके बीच में मैंने इसको हीट किया। ओके, तो सोडियम के कुछ एटम इसके ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर लग जाएंगे। अब जब इसके ऊपर लगेंगे तो होएगा क्या, मैं आपको इसकी रियल केमिस्ट्री समझाता हूं, तुक्के और रट्टे नहीं, ठीक है। व्हाट इज दिस, कि ये जो सोडियम है इसके ऊपर, जो सरफेस के ऊपर है, ये ऐसे मैं इसको चलो ऐसे ही कहता हूं, इस सोडियम के लिए जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो एनायन फ्रॉम द क्रिस्टल, क्रिस्टल के बीच में से एनायन उठ के ऊपर आ जाएगा, एनायन फ्रॉम द क्रिस्टल दैट विल कम, है ना, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, तो इसने बना दिया क्या, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन और प्लस इलेक्ट्रोड। मतलब इस एनायन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दिया, सोडियम आयन बना दिया और इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ये सोडियम आयन यहां पर हो गया और क्लोराइड आयन यहां पे आया, तो यही कहीं पे रह जाएगा। ओके, ये यहां पे आ गया। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन जो बना, है ना, वो इलेक्ट्रॉन वो उठ के कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, मतलब वो इधर आ गया यहां। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसकी क्या हो गई, मेंटेन हो गई। ध्यान से इस बात को समझना, हम ये कहते हैं व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, द क्लोराइड आयन फ्रॉम द लैटिस, लैटिस में से कम्स टू द सरफेस, रिएक्ट विद सोडियम एंड ऑक्सीडाइज इट, it forms sodium ion chloride ion that will become a part of the lattice, and the electrons which are hence produced
गेट ट्रैप्ड बैक इनटू द एनायनिक साइट. इसका मतलब ये आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली एनायोनिक साइट. ये साइट एनायन की थी, ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रॉन. ये वो एनायनिक साइट है विच इज ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रॉन. तो दैट एनायनिक साइट विच इज ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज एफ सेंटर. क्या इसे नाम देते हैं, एफ सेंटर. इसका नाम होता है फारबे सेंटर. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. फारबे का मतलब होता है वैसे बेसिकली कलर. तो दीज कलर, दीज इलेक्ट्रॉन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल. अब आप ये देखिए कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, व्हाइट, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस होता है. लेकिन जब उसके पीछे ऐसे एफ सेंटर बन जाते हैं, तो एफ सेंटर बनने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन उसके पीछे येलो कलर इंपार्ट करता है. रिमेंबर, ये हमेशा येलो नहीं होता. ये चीज आपको आपके नोट्स में भी है, बुक्स में भी है ना, तो आप वहां से देख लें. भाई NaCl को जब हम सोडियम के ब्रांच में हीट करते हैं तो विल गेट येलो कलर, है ना. पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम पोटेशियम के में करते हैं तो विल गेट वायलेट कलर. अगर हमारे पास लिथियम क्लोराइड है उसको लिथियम के ब्रांच में हीट करते हैं तो विल गेट पिंक कलर. ऑल दीज कलर्स आर ड्यू टू किसके कारण से, एफ सेंटर्स, फारबे सेंटर्स, फारबे सेंटर्स के कारण से. अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, इससे क्रिस्टल की डेंसिटी वैसे डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड ये जो डिफेक्ट है ना, इट इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन केस ऑफ हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल के हैलाइड्स में ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, KCl, KBr, NaI, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, लाइक दैट. उन सभी क्रिस्टल में दिस इज वेरी कॉमन डिफेक्ट. एक और है, और रिमेंबर बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से समझना. ये आमतौर पे मैंने ये देखा है कि बच्चे हमेशा, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं ये नहीं कहूंगा 1000% आता है, इतना आएगा, आता है भाई, काफी काफी हद तक आता है, बहुत आता है. तो जब इसमें और इसमें क्वेश्चन आता है तो एक जैसा क्वेश्चन लगता है, एंड बच्चा जो है ना उसको देखकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, एंड कई बार बिल्कुल रॉन्ग एक आंसर दे बैठता है. कैटायन एक्सेस को मैं समझता हूँ, समझाता हूँ. तो एज अ नेम इंडिकेट, इन दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल ड्यू टू द डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में, डिफेक्ट के कारण से क्या होएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायन विल इंक्रीज, रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायन इंक्रीज हो जाता है. मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स का. आई एम हैविंग एन एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टल ऑफ जिंक ऑक्साइड. ठीक है, ये मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, एंड ये ड्रॉ हो गया. ठीक, तो व्हाट इज दिस नाउ, लिसन, ये थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड है. कैसा है, थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड है, जिंक आयन साइज में भी छोटा होता है. तो अगर हम इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो क्या होता है, ZnO ऑन हीटिंग फॉर्म Zn2+ ion प्लस टू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन. डिस्पोज करो कि जिंक क्लोराइड का ये वाला हिस्सा डिकम्पोज हो गया, है ना, ये ऐसे डिकम्पोज हो गया. अब ऑक्सीजन तो निकल गई, बाहर चली गई, जिंक आयन यहां पर ट्रैप अप हो जाएगी, जिंक आयन ट्रैप अप हो गए, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये भी इंटरस्टीशियल साइट में आ जाएंगे. जिंक आयन भी इंटरस्टीशियल साइट में क्यों आ सकता है, उसका साइज छोटा है, जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन का साइज छोटा होने के कारण से दैट कैन मूव टू द इंटरस्टीशियल साइट. इसलिए NaCl में ऐसा नहीं है. तो इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण से क्या होता है, इसमें कलर आ जाता है, येलो कलर आ जाता है ना. लेकिन रिमेंबर, इट इज नॉट ड्यू टू फारबे सेंटर्स. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाई ए क्रिस्टल ऑफ जिंक ऑक्साइड अक्वायर येलो कलर, तो आप ये कहोगे जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल व्हेन इज हीटेड. जब एक जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हम हीट करते हैं, इट गेट अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन एज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ZnO, Zn2++2 ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव्ड आउट, जिंक आयन एंड इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड इनटू द इंटरस्टीशियल साइट,
एंड दीज इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रैप्ड इनटू द इंटरस्टीशियल साइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल. लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि दैट द येलो कलर ऑफ द सोडियम कॉइन व्हेन इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इट इज ड्यू टू एफ सेंटर, ये एफ सेंटर के कारण से नहीं है. ये डिफेक्ट हमेशा उन क्रिस्टल्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है. एंड रिमेंबर वन थिंग, इससे क्या हुआ भाई, इसमें पैकिंग और कॉम्पैक्ट हो गई ना. अब देखिए वॉल्यूम कम हो गया लेकिन मास उतने उसके ट्रैप अप हो गया, तो इससे डेंसिटी क्रिस्टल की थोड़ी सी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट डिफेक्ट कौन सा है इसमें, वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए आप. मैं ये ऊपर वाला बोर्ड यूज करूंगा इसके लिए. इंप्योरिटी डिफेक्ट को नेक्स्ट बोर्ड की क्लिप में यूज करेंगे, बताएंगे आपको. अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है किसका, इट इज करैक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट या मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ये उन कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके बिटवीन मेटल है उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. जैसे आयरन होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन फेरस Fe2+, फेरिक Fe+3 होती है, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं. तो ऐसे में मेटल डेफिशिएंसी की बात करूंगा, है ना. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मेरे पास क्रिस्टल है FeO का, ओके FeO का फेरस ऑक्साइड का ये मेरे पास क्रिस्टल. तो व्हाट इज दिस क्रिस्टल ऑफ फेरस ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल मेरे पास क्या है, फेरस आयन ऑक्साइड आयन, फेरस आयन ऑक्साइड आयन, फेरस आयन ऑक्साइड आयन, इस तरीके से ये है आपके पास फेरस ऑक्साइड. अब मैंने क्या कहा कि सपोज यहां से तीन फेरस आयन हट जाए, ये तो क्या हो, यहां पर तीन फेरस आयन की बजाय क्या आ जाए, Fe3+, ठीक है, बाकी एसएच O2 माइनस Fe2+ ओके ना, O2 माइनस Fe2+ से यहां पर भी नहीं है, O2 माइनस Fe2+ है ना, O2 माइनस. तो अब ये जो क्रिस्टल है वो कुछ ऐसा दिखने लगा Fe3+, ये खाली जगह. चार्ज उतने का उतना पूरा रहा, यहां पर 3 फेरस आयन थे प्लस 6 चार्ज था, यहां पे 2 फेरिक आयन है प्लस 6 चार्ज. मीन्स इसके बीच में हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि दैट इन दिस द कैटायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सेम मेटल आयन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. कैटायनिक साइट ही है, आयरन पे आयरन आयन ही है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट है. यहां पे वो फेरस आयन की फॉर्म में था, अब यहां पे क्या हो गया, फेरिक आयन की फॉर्म में. देखिए अब सपोज अगर इस क्रिस्टल में 100 फेरस आयन हो और 100 ऑक्साइड आयन हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Fe. लेकिन यहां पर जो आयरन है Fe और O, Fe का नंबर सपोज 98 हो जाए और O का नंबर 100 ही हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Fe.98O. इसकी स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, कहने का मतलब ये हुआ कि दैट दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ
नॉन स्टोशियोमेट्रिक सॉलिड्स, नॉन स्टोशियोमेट्रिक सॉलिड्स। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई। एक बात छोटी सी बताता हूं आपको, छोटी सी बात बताता हूं। ये अगर FeS होता, SS फेरस सल्फाइड मींस, ये क्या होता FeS होता फेरस सल्फाइड, तो उसमें भी ऐसा क्रिस्टल होता, ऐसा डिफेक्ट होता। तो यहां पे क्या है S2 ये हो गए, है ना। अब विद इन क्रिस्टल, क्रिस्टल के बीच में पता क्या होता है, जैसे ये फेरिक आयन है ना, ये इस फेरस आयन और इसमें इंटरचेंज होता रहता है भैया, कभी Fe3 हो गया, Fe2 प्लस हो गया, Fe3 प्लस हो गया, Fe2 प्लस हो गया, लाइक दैट। ये आपस में इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके विद इन क्रिस्टल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते रहते हैं, कोई Fe3 प्लस Fe2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन की चेंज से उसमें एक शाइनिंग अपीयरेंस आती है, उसमें एक शाइनिंग अपीयरेंस आती है। जैसे FeS के बीच में वो जो अपीयरेंस है वो गोल्डन येलो कलर की आती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो FeS का जो डिफेक्टेड क्रिस्टल है उसे हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। भाई दूर से वो चमकता है जैसा सोना हो, लेकिन जाके देखते हैं होता तो है नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं फूल्स गोल्ड। इस आर्टिकल के कुछ बेसिकली फंडामेंटली कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल है दो, और एक और डिफेक्ट है इंप्योरिटी डिफेक्ट, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट इफेक्ट के बेसिस के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूं, इसको कंसेप्ट बनाकर कीजिएगा। मैंने तो ए नॉन स्टोशियोमेट्रिक ऑक्साइड ऑफ आयरन हैज फॉर्मूला, उसका जो फॉर्मूला है वो Fe.98 O, what fraction of the total ions are as Fe2 plus and Fe3 plus? ये numerical 90% cases में आता है, इसलिए मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको समझ लें। देखिए जैसे कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था पहले कि ये आपके पास एक ऑक्साइड है, दिस इज यूर हैविंग एन आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है आपके पास, यूर हैविंग एन आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल, ठीक है। और ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट इसमें आ जाता है, जिसमें सम ऑफ द फेरस आयंस आर रिप्लेस्ड बाय क्या फेरिक आयंस। मींस जैसे मैंने यहां पे कहा कि दो फेरिक आयंस प्रेजेंट है, तीन फेरस की बजाय एक यहां पे खाली जगह, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसका जो फॉर्मूला है अब FeO नहीं रहेगा, इसका फॉर्मूला विल नॉट बी FeO, ये नहीं होगा, इट विल बी इट इज वो कहते हैं इसमें इसका फॉर्मूला आता है Fe.98O। भाई अगर इसके बीच में 100 ऑक्साइड आयन है तो 98 इसमें आयरन आयन है, इसका मतलब ये हुआ। देखो अगर ये मेरा फॉर्मूला आता है तो बिल्कुल ना डीपली समझने की कोशिश करो, एक न्यूमेरिकल समझ लिया बाकी सारे हो जाएंगे ऐसे। देखिए अगर इसका फॉर्मूला आता है Fe O, तो इसका मतलब जितने इसमें ऑक्साइड आयन है उतने ही फेरस आयन है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है Fe.98 है O, तो अगर O इसमें क्या है 100 है तो Fe के नंबर ऑफ आयन है 98, या अगर Fe का आयन O का आयन 1 है तो Fe के जो आयन है वो है 0.98। कहने का मतलब ये हुआ कि लेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हो गए, अगर 1, मैं फ्रैक्शन की बात करूं 1 ले लो या 100 ले लो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1, देन नंबर ऑफ आयरन आयंस मैं लिखता हूं इज 0.98
ठीक है। अब रिमेंबर ये जो पॉइंट लाइन एट है सभी एक टाइप के नहीं है, इसमें आपकी नॉलेज के लिख रहा हूं विच इंक्लूड क्या Fe2+ आयंस एंड Fe3+ आयंस, इसमें दोनों आयंस हैं। यस, ये रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो मैं अगर ये कहूं इसमें से लेट नंबर ऑफ Fe2+ आयंस इज वो एक्स, तो देन नंबर ऑफ Fe3+ आयंस विल बी 0.98 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। आई थिंक सो, ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम इससे आगे चलते हैं। एंड व्हाट इज दैट, देखिए एज क्रिस्टल इज न्यूट्रल, क्योंकि जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हेंस टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि आयरन Fe2+ और Fe3+ का जो टोटल चार्ज है वो O के बराबर होना चाहिए। और O का चार्ज कितना है आपके पास, O के ऊपर चार्ज कितना है 2-, तो इनके ऊपर सारों के ऊपर टोटल चार्ज +2 होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है Fe.98O। सब कहने का ये मतलब, ये सारी बातें जो मैंने रेड पेन से लिख रहा हूं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो एक्स 2x में Fe2+ आयन के कारण से इसमें चार्ज कितना होएगा 2+2x है, इसलिए 2x प्लस 3 ऑफ 0.98 माइनस एक्स। भाई जो Fe3+ आयन है एक Fe3+ आयन के ऊपर चार्ज है +3, तो 0.98 माइनस एक्स Fe3+ आयन से, तो इसके लिए ये चार्ज हो गया इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है 2, ये टोटल चार्ज इन दोनों का जो सम टोटल चार्ज है वो 2 के बराबर है, तभी वो क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहने का मतलब ये हुआ इट्स 2x प्लस, इसको कर लो प्लस, इसको इसे कर ले, तो व्हाट इज दैट Rt24 9 × 27 और 29 2.94 एंड माइनस 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0.94। ये आपके पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टोटल 0.98 उसके बीच में आयंस है उसमें 0.94 जो आयंस है वो Fe2+ है और 0.4 आयन जो है वो क्या है Fe3+ है। तो अब अगर मैं इसमें इस सिंपल सी बात ये कहूं कि दैट फ्रैक्शन ऑफ कौन सा फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ आयंस विल बी इक्वल टू कितने Fe2+ आयन है 0.94 कितने में से 0.98 में से इनटू 100 फ्रैक्शन आ गया या परसेंटेज आ गया। फ्रैक्शन आया तो 100 मत लगाओ, ये फ्रैक्शन आ गया, और अगर परसेंटेज निकालना तो 100 लगा लो। ऐसे ही अगर मैं कह दूं परसेंटेज ऑफ किसका Fe3+ आयन विल बी 0.4 अपॉन 0.98 इनटू, ऐसे ही एक न्यूमेरिकल लॉग लिखो। देखिए उसको हम कितनी जल्दी से कर देंगे, आपको समझ आ गया होगा। तो इन नॉन स्टोशियोमेट्रिक ऑक्साइड ऑफ निकल हैज फॉर्मूला Ni.96O, what fraction of nickel ion
आर एस एन आई टू प्लस एंड एन आई थ्री प्लस, क्वाइट सिंपल। तो वही बात है, एग्जैक्टली वैसे ही हम कर लें, टोटल नंबर ऑफ आयंस, निकल आयंस कितने हो गए, 0.96। एन आई टू प्लस आयन इज इक्वल टू से एक्स, एन आई थ्री प्लस आयन इज इक्वल टू 0.96 माइनस एक्स, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टू। इसमें क्या हुआ, एक्स प्लस 0.96 टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0.96 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकाल लो। अगर आपको इसको बेसिकली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसको मतलब इस वाले पहले वाले न्यूमेरिकल को एक दो बार देखें और उसके कंसेप्ट को समझकर फिर आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करें। वैसे ये न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था पॉइंट इफेक्ट्स, उसमें मैंने आपको बताया स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टोशियोमेट्रिक में मैंने आपको शॉर्टकी डिफेक्ट बताया, फ्रेंकल डिफेक्ट बताया, नॉन स्टोशियोमेट्रिक में आपको बताया मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस में आपको बताया बाय एनायन वैकेंसी, कैटायन एक्सेस जिसमें एफ सेंटर बताया आपको, जेड एन ओ वाला एग्जाम्पल बताया, और इसमें नॉन स्टोशियोमेट्रिक सॉलिड्स का आपको एग्जाम्पल बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से डिफेक्ट्स, इट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो एज अ नेम इंडिकेट कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है, कि दैट इट अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अदर टाइप ऑफ मेटीरियल, सम अदर टाइप ऑफ मेटीरियल, ठीक है, सम अदर टाइप ऑफ मैटर भी लिख सकते हैं इन द लैटिस। अगर लैटिस में कोई और टाइप का मैटर प्रेजेंट हो जो एक्चुअल में वो ना हो, जैसे सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आता है ना। अब देखो ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाले सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हमने सॉलिड स्टेट को स्टडी किया, ए बी ए बी ए बी, ऐसे अगर मैं इसको कर दूं, से क्रिस्टल को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया बेटा, ये मैंने क्रिस्टल को रिप्रेजेंट किया। अब मैं ये कहता हूं कि सपोज इम्प्योरिटी है इसमें एक्स, और एक्स प्रेजेंट है यहां पर, सुनो ए को हटा दो और यहां पर है पहला केस, मींस द इंप्योरिटी ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट। अदर इंप्योरिटी, इफ इंप्योरिटी ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट, अगर इंप्योरिटी लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करे, इफ इंप्योरिटी ऑक्यूपाई क्या लैटिस पॉइंट, तो उस टाइप को के जो सॉलिड हमें मिलते हैं उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। भाई इसका मतलब ये हो कि इट इज एज इफ कि एक्स ने ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट मतलब उसको प्लेस को रिप्लेस कर दिया। और दूसरा जो है वो केस क्या हो सकता है, दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि जो इम्प्योरिटी है वो यहां पर प्रेजेंट हो कहीं पर, मतलब इफ इम्प्योरिटी ऑक्यूपाई क्या, इफ इम्प्योरिटी ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, अगर इम्प्योरिटी इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए यहां पर एस बी, इफ इम्प्योरिटी ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट,
तो फिर उसे हम बोलते हैं, उस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं क्या, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, आई होप सो कि ये बात आपको थोड़ी सी समझ आ गई। अब इसमें एक बात और है, ये इंप्योरिटी डिफेक्ट या तो होते हैं और या इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं कि इंप्योरिटीज आर एडेड टू मॉडिफाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने के लिए इंप्योरिटीज को ऐड किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। सुनो, आपको पता है ये है ग्रुप 14, ये है ग्रुप 13 और ये है ग्रुप 15। आपको वैसे इसको याद करने का तरीका पता ही है। ग्रुप 14 क्या होता है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होते हैं। याद करने का तरीका होता है चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। नेक्स्ट जो 15th ग्रुप है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। याद करने का इसका तरीका है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। और 13th ग्रुप है, इसको समझना पड़ेगा आपको, ये वैसे ये आर्टिकल आपके लिए फिजिक्स में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। इट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। याद करने का तरीका बेटा अली गाय इंडियन ताल, बेटा अली गाय इंडियन ताल। अब आप ये मानो, देखो अगर आप ये कहो ये कार्बन का मेरे पास एक सॉलिड है, आप मतलब ग्रुप 14 जो एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फोर इलेक्ट्रॉन है तो ईच ऑफ द कार्बन फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स और ये इस तरीके से इट एग्जिस्ट इन द कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये मैं कार्बन को शो कर सकता हूं, यहां पर सिलिकन भी लिख सकते हैं, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, इस तरह के उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। नॉलेज के लिए आपके लिए एक बात बताते हैं कि जब कोई एटम ऐसे कोवेलेंटली बॉन्डेड, इंटरलॉकिंग ऐसे हो जाती है उसकी, उसके बीच में, तो उसे बोलते हैं कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। तो इस कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है कि एटम मूव नहीं कर सकते, ना ही इसके बीच में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकता है। तो समझो ये बेसिकली 14th ग्रुप के एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, बेसिकली दे आर इंसुलेटर। अब सपोज मैंने एक इस कार्बन को हटा दिया, यहां से कार्बन को हटा दिया और क्या लगा दिया, पी मतलब फास्फोरस लगा दिया, 15th ग्रुप के एलिमेंट्स का एक लगा दिया। अब 15th ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 14th ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 15th में कितने हैं, 5, तो इट हैज गॉट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण से इट विल स्टार्ट शोइंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखानी शुरू कर देता है, मतलब इट बिकम सेमी कंडक्टर, फ्रॉम इंसुलेटर इट विल बिकम सेमी कंडक्टर। एंड इन दिस टाइप ऑफ द सॉलिड व्हाट इज दैट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जब 14th ग्रुप एलिमेंट की मिक्सिंग 15th ग्रुप के एलिमेंट के साथ कर दी जाती है तो वी विल गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप भी बोल सकते हैं। एंड आपको ये पता होना चाहिए इट इज हेयर कंडक्टिविटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण से इसमें कंडक्टिविटी होती है।
लेकिन अगर मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से लूं, और वो ये है, कैसे कि अगर मैं 14th रूप के एलिमेंट को डॉप कर दूं किससे, किसी 13th रूप एलिमेंट से, से मेरे पास यहां पर मैं यहां पे क्या लगा दूं, एल्यूमिनियम लगा दूं, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन सभी के पास 4, तो यहां पर एक खाली स्पेस बच जाएगा, हियर वी विल गेट अ वैकेंट स्पेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होल, अ होल, अ वैकेंट स्पेस विच शुड बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन बट नाउ इट इज वैकेंट। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये पॉजिटिव होल के कारण से होती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एक याद रखने की बात है, कोई भी ग्रुप है, अगर उससे प्रीवियस पहले वाले ग्रुप से अगर हम उसकी डॉपिंग करें तो हमें मिलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और अगर किसी ग्रुप से नेक्स्ट वाले ग्रुप की डॉपिंग करके सेमीकंडक्टर ले तो हमें नेक्स्ट एन, एन मींस नेक्स्ट टाइप ऑफ, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मैंने एक वर्ड यूज किया अभी आपके साथ, और वो वर्ड है क्या, डॉपिंग। डॉपिंग का मतलब क्या होता है, इट इज फंडामेंटली आई शुड से इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ impurities to a solid, and it is done to modify the conductance behavior. आम तौर पर क्वेश्चन आता है, what do you mean by doping? Doping से मतलब क्या है, and why it is done in order to modify conductance behavior, means basically it is done in order to make semiconductors, और ये semiconductors जो devices होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, you should be knowing all the semiconductor devices, they are useful in all of our electronic gadgets. आज हम पढ़ रहे हैं, lectures record कर रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं, ये सभी जो है, इसके बीच में हमारे पास मोबाइल है, उसके चिप्स हैं, like that, ये जितने भी हमारे पास कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होते हैं, जिसके बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक न्यूमेरिकल है और इस आर्टिकल में वो मैं करवाता हूं, एक न्यूमेरिकल में आपको डॉपिंग के बेसिस के ऊपर करवा रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में भी है, और इसके स्टेटमेंट में सच लिख दी है यहां पर, सोडियम क्लोराइड इज डॉप्ड विद 10⁻²⁰ मोल परसेंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, फाइंड आउट कैटायन गैसेस। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि ये न्यूमेरिकल क्या है, ये न्यूमेरिकल ये है कि यहां पर ये आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें हमने डॉपिंग की, हमने इम्प्योरिटी ऐड की, और इम्प्योरिटी किसकी ऐड की, हमने सोडियम को हटा के वहां पर स्ट्रॉन्शियम लगा, स्ट्रॉन्शियम। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्शियम के ऊपर चार्ज क्या, +2 है। अगर सोडियम क्लोराइड को मैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ डॉप करता तो सोडियम के ऊपर भी चार्ज क्या था, +1, और पोटेशियम के ऊपर भी चार्ज क्या था, +1, तो यहां पे आ जाता और कोई चेंज ना होती। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये हुई कि सोडियम आयन की बजाय जब स्ट्रॉन्शियम आयन आया तो एक स्ट्रॉन्शियम आयन के ऊपर चार्ज क्या, +2, है ना, तो इसका मतलब दो स्ट्रॉन्शियम आयन हटेंगे, दो सोडियम आयन हटेंगे, इसके लिए मतलब एक स्ट्रॉन्शियम आयन के क्या करेगा, दो सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, एक की जगह पे खुद बैठ जाएगा और एक खाली जगह हो जाएगी, वो जो खाली जगह है वो है आपके पास कैटायन वैकेंसी। क्योंकि न्यूमेरिकल तब होता है जब आपको एक एक बात उसकी समझ आई हो। तो मैंने क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड इज डॉप विद 10⁻²⁰ मोल परसेंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, फाइंड आउट नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज। आपको ये वाला वर्ड जो है ये समझ आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय कैटायन वैकेंसी, ये आपको बात समझ आ गई। अब हमें इस कंसेप्ट को समझना, 10⁻²⁰ मोल परसेंट, इसका मतलब ये हुआ
100 मोल ऑफ NaCl कंटेन स्ट्रोंशियम क्लोराइड कितना 10^-2 मोल्स 10^-2 मोल परसेंट इस ओर 10^-2 मोल्स पर 100 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड तो वन हाउ मच 10^-2 upon 100 इसमें 10^-4 मोल्स इसमें एक मोल स्ट्रोंशियम सोडियम क्लोराइड के एक मोल क्रिस्टल में 10^-4 मोल्स स्ट्रोंशियम क्लोराइड के हैं इसमें नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन इज इक्वल टू 10^-4 × 6.023 × 10^23 इज इक्वल टू 6.023 × 10^19 आयंस इसका मतलब इतने स्ट्रोंशियम आयंस हैं एंड मैंने अभी आपको ये बताया एक स्ट्रोंशियम आयन एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट करता है एज वन स्ट्रोंशियम आयन कॉज वन कैटायन वैकेंसी एक स्ट्रोंशियम आयन एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट करता है हेंस नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज कितनी होगी नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इज इक्वल टू 6.023 × 10^19 आपके नॉलेज की एक बात बताऊंगा कि अगर यहां पे लिखा होता भाई इट इज डॉट विद किसके साथ KCl तो कोई कैटायन वैकेंसी होती ना अगर ये होता इट इज डॉट विद AlCl3 अब आपको पता है एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या है 3+ तो एक एल्यूमिनियम आयन तीन सोडियम को रिप्लेस करता उसके बजाय एक पे तो खुद बैठता तो दो कैटायन वैकेंसीज क्रिएट करता तो फिर उसमें नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी क्या है इससे डबल आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई तो बच्चों इट इज एडवाइजेबल कि जब भी आप इस आर्टिकल को रिवाइज करें तो आप ऐसे टेबल बना लें इस टेबल में ऐसे लिखे पॉइंट इफेक्ट आगे तीन टाइप के होते हैं स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक इंप्योरिटी डिफेक्ट स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट है ऐसे करते ही आप याद रखो तो शॉर्टकी डिफेक्ट के बीच में क्या होता है कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर एक्चुअल साइट्स यहां पे क्या होता है एक्चुअल साइट से मिस होके कहां पे इंटरस्टीशियल साइट में आ जाते हैं मेटल एक्सेस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन सभी के मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं तो आप इन सभी के एग्जांपल और इन सभी के न्यूमेरिकल बैकग्राउंड इसको स्टडी करें ये आर्टिकल रियली बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता जिसमें इस आर्टिकल के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन ना आए कई बार न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाता है और कई बार आपके पास ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था भाई शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है किस टाइप के क्रिस्टल शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं व्हाट इज एफ सेंटर जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो येलो क्रिस्टल क्यों आ जाता है Fe2O3 है ना लाइक दैट इस टाइप के जो मैंने आपको न्यूमेरिकल वगैरह करवाए वो सारे आप इसको करें आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा थोड़ा लेंथी है लेक्चर एक बार ना समझ आए 2 बार 3 बार इसको बार बार रिवाइंड कर करके आप इसको देखें सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट एक्चुअली दिस आर्टिकल इज इस चैप्टर में सिर्फ एक आपका और लेक्चर रहता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इससे पहले वाला जो आपका जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको आप स्टडी भी करें इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस एट माय फोन नंबर थैंक यू